विश्व उपभोक्ता दिवस पर जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा मंगलवार की दोपहर उत्सव भवन में कार्यक्रम आयोजित कर ग्राहकों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अंतर्गत उपभोक्ता अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व उपभोक्ता फार्म सदस्य डॉक्टर प्रीति परमार उपस्थित रही। कार्यक्रम में जिला आपूर्ति अधिकारी कोठारे ने उपभोक्ताओं के लिए विशेष जानकारी दी, तो वहीं डॉक्टर प्रीति सिंह परमार ने उपभोक्ताओं को हो रहे शोषण एवं ठगी से बचने के उपभोक्ताओं को उपाय बताए। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया यदि शिकायत के निर्णय में यदि त्रुटि होती है तो उपभोक्ता के लिए आगे अपील करने का प्रावधान है। उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए नापतोल विभाग, खाद्य सुरक्षा विभाग एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों ने अपने अपने सुझाव दिए। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। 17 मार्च को हम विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं और आज भी यहाँ पे फूड डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया, समस्त लोगों को इस बारे में जागरूक किया गया। जैसा बहुत सी चीजें हमारे फूड ऑफिसर जी ने बता दी है, बाकी ये कि इस बार का जो विषय था वो था निष्पक्ष डिजिटल वित्त, ये रखा गया था। हर बार एक थीम रहती है, तो इस बार की थीम ये थी। दूसरी बात, उपभोक्ता कौन है, साथ में कई चीज़ों को उस पर 2019 के एक्ट में नवनिर्माणित करके प्रस्तुत किया गया है। जैसे पहले कम सीमा तक आप केस कर सकते थे, आप 50 लाख तक के केस आप यहाँ दायर कर सकते हैं, स्वयं आप केस दायर कर सकते हैं, 5 लाख तक पर कोई भी चार्ज नहीं है, ये भी अब बताया गया। साथ में ये भी बताया गया कि आप किस किस क्षेत्र में कंप्लेंट, सेवा प्रदाता कौन होता है, उपभोक्ता कौन होता है, कमर्शियल श्रेणी में आने वाला और रीसेल करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है। साथ में जो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।